सुप्रभात दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे से हैं। अभी सुबह के बज चुके हैं 6:15। आज मैं जा रहा हूं घर। शायद मैं हो सकता है कि हल्द्वानी में रुकूं। अगर हल्द्वानी तक डायरेक्ट गाड़ी नहीं मिलती है ना, तो बरेली वाले में बैठूंगा, फिर बरेली से चेंज करके गाड़ी फिर हल्द्वानी जाऊंगा। तो करते हैं दिन की शुरुआत आपकी दुआओं के साथ, बने रहिए वीडियो के साथ। योगेश कुछ लेके आया है मेरे लिए, सरप्राइज है, मुझे नहीं पता है, मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। वो ओपन करने वाला है अभी। अरे वाह, क्या है यार, गिफ्ट छुप के देते हैं बाबू। चलो देखता हूँ फिर। टैबलेट है, टैब लेनोवो टैब M10 SD। ये महंगा हो यार, फिर महंगा है यार। वैसे यार इतने महंगे टैब की जरूरत है नहीं मुझे। तो चलते हैं। अब चंदन की जो दूसरी मौसी हैं, उनका ये घर है, ये घर पड़ोस में ही है। अगर डायरेक्ट वाली हल्द्वानी वाली गाड़ी मिल जाए ना, बहुत बढ़िया है। तो हल्द्वानी के लिए अगर डायरेक्ट नहीं मिलेगी ना गाड़ी, तो मैं बरेली वाली में जाऊंगा, यहाँ से बरेली, फिर बरेली से हल्द्वानी। अभी हम बस स्टेशन पहुँचने वाले हैं। तो अभी बरेली वाली बस में बैठ चुका हूँ मैं, आधा घंटा कम से कम टाइम लग जाएगा ये। पर से भी खाना, पर से इसको पकड़ो, ये वाला देख लो। तो कितना कितना बोल रहे हो? 50 रुपये एकदम। 50 का है? हाँ, 100 रुपये। बरेली का कितना होता है? हाँ, अभी जैसा कि आप देख सकते हैं, नए वाले बस अड्डे पे मैं पहुंच चुका हूं बरेली के। अब यहां से मुझे जाना है पुराने वाले बस अड्डे पे, वहां से मुझे मिलेंगी हल्द्वानी के लिए गाड़ियां, ठीक है। तो यहां से मुझे रिक्शा या ऑटो मुझे पकड़ना पड़ेगा। अब देखता हूं कहीं से अगर मिल जाए तो। आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। ई रिक्शा में मैं बैठ चुका हूं, ठीक है। तो चलते हैं सीधे। पुराने बस अड्डे पे मैं पहुंच चुका हूं, और यहां पे पुलिस का फ्लैग मार्च चल रहा है। पता नहीं फ्लैग मार्च क्यों हो रहा है, कुछ तो बवाल हो रहा है यहां पे, कुछ तो लफड़ा है इसीलिए। चलो, हल्द्वानी की बसें जो है ना, शायद इस साइड को लगी हैं। यहां उत्तराखंड परिवहन कुछ ऐसा लिखा है, तो देखता हूं एक बार, है ठीक है। ये वाली बस है शायद हल्द्वानी के लिए ना, हल्द्वानी है क्या? क्या क्या नाम है तेरा? ना अपना नाम बता पहले, और नाम बता फिर दूंगा इधर। तो पहले अपना नाम बताओ, क्या नाम आपका? सूरज। पूरा नाम क्या है? पूरा नाम पता नहीं सूरज। यहाँ कहाँ पे रहते हो? कहाँ पे, कहाँ पे रहते हो? चौक 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 पे चौपले। अच्छा, सुबह से ऐसे ही घूम रहे हो है? ये है मेरे पास, ठीक है। पैसे मेरे पास खुले नहीं, ये दे रहा हूँ, चिप्स है, ठीक है, मिल के खा लो। मिलवा उसको भी देना, जिनको मैंने चिप्स दिया था ना, वो यहाँ पे बैठे हुए लास्ट कोने में। ये खा रहे ना अभी, ये देखिए लास्ट में बैठे हैं। दोबारा से जूम करके मैं दिखा रहा हूँ अभी। तो गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट, चलता है सीधे हल्द्वानी। अभी बस पूरी भर चुकी है। कितने की प्लेट है? 10 रुपये। एक प्लेट देना। पीछे आ रही गाड़ी भैया, जाओ। एक मिनट, पीछे आ रही गाड़ी, गाड़ी थोड़ी है।
तो ये है पकौड़ी, देख सकते हैं। खा लेता हूँ, भूख तो लगी है। अभी मैं पहुंचा हूँ बहेड़ी में, यहाँ से शायद अब 30 से 40 मिनट और लग जाएंगे, 30-35 मिनट के आसपास और लगेंगे। अब जो है हम लोग पहुंचने वाले हैं हल्द्वानी, हल्द्वानी मतलब क्रॉस कर चुके हैं, तो हल्द्वानी हम लोग पहुंच चुके हैं, सब लोग उतर रहे हैं। अब जो है उतर के मैं मिलता हूँ आपसे, ठीक है, जैसे उतर जाऊँगा रिक्शे में बैठूँगा ना उसके बाद मिलूँगा, ठीक है। मैं पहुँच चुका हूँ काला ढूंगी चौराहे पे, यहाँ से अब पकड़ूंगा मैं रिक्शा। कहाँ चलोगे? चौराहा समझे? हाँ, वहाँ से थोड़ा सा आगे, हाँ वहीं से थोड़ा वहाँ से होगा 60-70 मीटर आगे है। हाँ उसे 60-70 मीटर आगे होगा। चलोगे? कितना लोगे? 80 ज़्यादा बोल रहा हूँ, 80 में तो बस स्टेशन से मैं आ जाता हूँ, 80 तो 80 से ना बस स्टॉप से मैं आ जाता हूँ। हैं नहीं पता है ना, सही बता दें वहाँ खाली आना, कोई सवारी वारी नहीं खड़ा की है, ये पूरे पूरे खबर खड़ा गए वहाँ सब देखा हुआ है, हम तो ले जाते हैं तुम्हारे। चलो चलो यहाँ से देहरादून है 300 किलोमीटर, रामनगर है 55, काला ढूंगी है 25। यहाँ पे है गुरुद्वारा। अभी जो टाइम हो रहा है 5:30 बज रहे हैं, तो मुझे जाना है बागेश्वर अपने घर, ठीक है। लेकिन बागेश्वर के लिए अभी गाड़ियाँ मिलेंगी नहीं, तो मैं ऐसा कर रहा हूँ अपनी दीदी के वहाँ जा रहा हूँ अभी, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर लूँगा, उसके बाद कल सुबह तक जाऊँगा। मैं आपको एक बार बता दूँ, लखनऊ से मैं आया पहले बरेली, फिर बरेली से आया सीधे हल्द्वानी में। मैं बता दूँ कि लखनऊ से बरेली की जो दूरी है ना वो है लगभग 247 किलोमीटर, और टाइम लग जाता है बरेली आने में 5 घंटे के आसपास। फिर बरेली से हल्द्वानी का जो डिस्टेंस है वो लगभग है 100 किलोमीटर, और टाइम लग जाता है लगभग 2.5 घंटे, ठीक है। तो कुल मिला के आप मान के चलिए कि 6.5 से 7 घंटे लग जाते हैं लखनऊ से हल्द्वानी आने में। तो यहाँ गर्मी थोड़ा कम है, अभी रास्ते में तो इतनी गर्मी हो रही थी, इतनी गर्मी हो रही थी ना। थोड़ा यहाँ पे रुकना है दुकान पर, सामान लेकर एक माजा की बोतल दे दो, एक छोटी वाली 40 वाली दे दो, दो पेड़ दे दो, हाँ ये दे दो। चलो चलो, ठीक है ना, ठीक है बेटा। कुंडी तो खुली है, है? खोल आराम से, आगे जीते रहना, हाँ तू भी जीते रहना, हाँ कुछ ये दीदी सबके लिए भेजा, ये चटनी भी ना आधा आधा कर लो सब, ये लखनऊ वालों ने सब भेजा है, तो इसको आधा आधा कर लो इधर उधर, ठीक है ना। अचार है, ये बिस्कुट है, और ये थोड़ा चटनी है, सब डिवाइड कर लो आपस में, सबको बुलाया इधर। ये दी दीदी है ना, दी प्यार है ना, वो आ गई है। ये किसना ला चुका है पकौड़ी और चाय साथ में। तो आज मैंने नया पर्स ले लिया, इस पर्स की हालत क्या हो गई थी देखिए, ये गर्मी से मतलब गर्मी से ये यहाँ से दिल्ली गया, दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से वाराणसी, जेब से निकालने में, जेब में डालने में जो बाहर की जो परत थी ना निकल गई थी इसकी, ये अभी भी निकल रही ना गर्मी से, ये मतलब एकदम पसीने से जो है गीला हो गया था ना, जिसकी वजह से बाहर की परत जो है निकल चुकी है इसकी। अब यूज़ करूँगा मैं ये वाला पर्स, ये लक्की हो जाए मेरे लिए। तो अभी रात के बज चुके हैं ना, खाना रेडी हो चुका है, आलू शिमला मिर्च और बड़ी की सब्जी है, और दही है, रोटी है, खा लेते हैं खाना। कितना खाना खा ले? तो दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इससे ही आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी, ऐसे प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। और हाँ थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।